बिहार के मजदूरों की कमी को देखते हुए अब महिलाओं ने जो है मोर्चा संभाल लिया है। महिलाएं धान रोपाई के काम में जुट चुकी हैं। 5782 एकड़ जो जमीन है उस पर किसानों ने धान की सीधी बिजाई करने के लिए कृषि विभाग से रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं बड़ी तादाद में किसान दूसरी फसल भी लगा रहे हैं। खेतों में धान रोपाई के काम में जुटी महिलाओं से जी मीडिया ने ग्राउंड जीरो पर जाकर बात की है। जी 4800 हेक्टेयर में धान की रोपाई का लक्ष्य पूरा हो चुका है। पर कृषि मजदूरों की कमी की रिपोर्टें हमारे विभाग को प्राप्त हुई है। जो अभी किसानों ने धान की सीधी बिजाई में काफी रुचि दिखाई है और कृषि विभाग द्वारा जिले में 6000 एकड़ का टारगेट था, जिसमें से अभी तक 5700 एकड़ का हमारा रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो चुका है और अगर समय रहते ये भी पूरा कर लिया जाए। सोनीपत जिला में धान लगाने के कार्य में अब तेजी आ गई है। आप यहां देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं जो हैं अपने यहां पर खेत में जो है धान लगाने के कार्य में जुटी हुई हैं। अब की बार माना जाता है कि जो बिहार से मजदूर आने वाले थे वो बहुत कम आए हैं, तो महिलाओं ने इस जिम्मेदारी को बेखूबी निभा रही है। और यहाँ पर आप सबको यह जानकारी भी जरूर देना चाहते हैं कि 90,000 हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो धान के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त 6000 एकड़ में धान लगाने का कार्य जो है वो खास तौर से सीधी बिजाई के तौर पर लगाया जाने का लक्ष्य भी कृषि विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है। और अब की बार जो है महिलाएं जो हैं वो आगे बढ़ रही है। एक महिला है यहाँ पे, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? किरण। अच्छा किरण जी, जिस तरह से धान लगा रहे हो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आप महिला सशक्तिकरण हो। मेहनत तो बहुत होती है जी, क्यों सुबह लगते हैं शाम को उठते हैं और कोड़े कोड़े गारे में काम करना पड़ता, तो मेहनत होती है। अच्छा आप ये बताओ, जिस तरह से आप इतनी मेहनत करते हो तो बदले में आपको कितना मेहनताना मिलता है और एक एकड़ में कितना समय लगता है? एक एकड़ में हम 6 जने लगाते हैं किला और हमको 4000 रुपए मिलता है। अच्छा कितना टाइम लगता है? सुबह लगते हैं हम 6 बजे और शाम को 7 बजे उठते हैं। अच्छा जब तक एक एकड़ लग जाता है। हाँ। अच्छा क्या कहना चाहते हो, महिला घरों से निकल के आगे खेतों में काम कर रही है, कितनी अच्छा मानते हो? हम तो अपने लिए अच्छा ही मानते हैं, काम करके खाना चाहिए, मेहनत का ही खाना चाहिए, फोकट का तो हमने कभी सीखा ही नहीं खाना। जिस तरह से महिलाएं जो हैं वो कह रही हैं कि अगर मेहनत करेंगी तो आगे बढ़ेंगी और धान लगाने का कार्य जो है वो जल्दी जल्दी से किसान अब निपटा लेना चाहते हैं और महिला सशक्तिकरण आगे आकर शक्ति व ताकत के साथ धान लगाने के कार्य में जुटी हुई है। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत।